बिटिया को रजियोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये बताता है कि ऐसी अपराध की घटनाओं को पहले भी अंजाम देते रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको संरक्षण मिलता रहा। उन्नाव जिले में 8 दिसंबर से गायब हुई युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। किशोरी का शव समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के दिव्यानंद आश्रम के निकट स्थित प्लॉट में मिला। किशोरी का शव मिलने की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जैसे ही शव को लड़की के घर पहुंचाया, वहां उसकी मां की चित्कार से सबका कलेजा फट गया। वो बार बार यही कह रही थी कि अगर वो उसकी बेटी होती तो वो क्या करते। मां के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पीड़िता की मां ने कहा कि पुलिस किशोरी को खोजने की जगह उसे गलत साबित करने में लगी थी। पुलिस बार बार कह रही थी कि कुछ दिनों में किशोरी आ जाएगी, लेकिन आज 10 फरवरी को उसकी डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में एएसपी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, शीघ्र ही अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। उन्होंने पुलिस पर लगे आरोपों का खंडन किया। मामला उस समय चर्चा में आया था जब पीड़िता की मां ने अखिलेश यादव की कार के आगे आत्महत्या का प्रयास किया था। विगत 8 दिसंबर को पीड़िता की मां ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर बेटी के अपहरण करने की जानकारी दी और उन्होंने इसका आरोप पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह उर्फ अरुण सिंह पर लगाया। लड़की पूंजा को राजौल सिंह उर्फ अरुण सिंह सनाब फतेह बहादुर सिंह पूर्व मंत्री का लड़का है और उन्होंने हमारी लड़की को अगवा कर लिया है। आज 50 दिन हो गए हमारी लड़की को कोई नहीं खोजबीन हो रही है। एसपी साहब के पास गया हूँ 5 बार, सीओ साहब के पास गया 5-6 बार, डीएम साहब के पास 3-4 बार गया, ग्राम प्रधान से कहा, विधायक पंकज गुप्ता से कहा 3-4 बार, लेकिन कोई अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को न समझते हुए गुमशुदगी दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया। पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए गायब किशोरी की मां ने लखनऊ में विगत 24 जनवरी को अखिलेश यादव की कार के सामने आत्महत्या का प्रयास किया। लखनऊ में हुए इस घटनाक्रम में उन्नाव पुलिस पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद सक्रिय हुए पुलिस ने तत्काल राजौल सिंह को गिरफ्तार कर जांच में गति दी। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी दिनेश त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। कैसे खुला मामला? शहर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में 2 माह पहले लापता हुई युवती की हत्या कर शव को गड्ढे में दबा दिया गया था। हत्या किसी और ने नहीं, युवती को अगवा करने के मामले में जेल भेजे गए पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर की थी। स्वाट टीम ने हत्यारोपी के दोस्त को उठाया तो उसने सब कुछ उगल दिया। गुरुवार को पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पूर्व राज्य मंत्री के प्लॉट में बने गड्ढे में शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने युवती की किसी दूसरे से नजदीकी की आशंका पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को गड्ढे में दफना दिया था। उधर गुरुवार रात एएसपी राजेश द्विवेदी ने इस मामले में कोतवाली प्रभारी अखिलेश पांडे को निलंबित कर दिया, साथ ही दर्ज एफआईआर में हत्या की धारा भी बढ़ा दी। 8 दिसंबर को गायब हुई थी युवती। काशीराम कॉलोनी निवासी मुकेश की बेटी पूजा 8 दिसंबर 2021 को लापता हो गई थी। मां रीता ने पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे कल्याणी देवी निवासी अरुण कुमार उर्फ राजौल सिंह पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया था। क्या हुआ?
हाय बिटिया को रजियोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले दुपरे नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया, ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा हम दिमाग, और इसी में मेरी लड़की बंद थी, हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आला अफसरों के आदेश के बाद 10 जनवरी को पुलिस ने रजौल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। आरोपी पर कार्रवाई न होने पर पूजा की माने 24 जनवरी को लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने आरोपी रजौल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही पुलिस की 2 टीमें युवती की तलाश में जुटी थी। कॉल डिटेल में पूजा व रजौल सिंह के नजदीकी की पुष्टि हुई थी। राजौल की कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस के हाथ हरदोई जिले के नया गांव मुबारकपुर निवासी सूरज सिंह का नंबर हाथ लगा। इस बार पुलिस ने वर्तमान खजुरिया बाग नई बस्ती में रहने वाले सूरज को उठाकर पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाया है। जब उसकी माँ उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो, और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता है। उन्नाव की घटना पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा सरकार का सच दोबारा सबके सामने है। जहां एक दलित बेटी के गायब होने के बाद परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा था, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा वोट मांगते घूम रही है, उस कानून व्यवस्था के कोई नामो निशान उत्तर प्रदेश में नहीं बचे। भाजपा सरकार में अपराध की बाढ़ आ गई, उत्तर प्रदेश अपराध का जंगल बन गया। सही बात तो यह है कि भाजपा और आरएसएस की दलित विरोधी सोच जो हर बार दिखाई पड़ती है, हर बार प्रमाणित होती है। उन्नाव की घटना में भी दलित बेटी की मां लगातार 24 जनवरी से प्रशासन के आगे गुहार लगा रही थी, लेकिन तब प्रशासन सो रहा था। आखिर सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, संज्ञान में क्यों नहीं लिया? किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, उस पर ऐसी सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए कि वो नजीर बने और भविष्य में कोई भी इस तरीके का अपराध करने से पहले उसकी रूह कांपे उत्तर प्रदेश में। तो वही दूसरी ओर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस प्रकरण में अब लखनऊ में तैनात सिपाही का कनेक्शन सामने आया है। लड़की के कॉल डिटेल से पता चला है कि लखनऊ के आलमबाग थाने में तैनात सिपाही से घटना के समय बातचीत हो रही थी। सिपाही और लड़की के संबंध को पता करने के लिए टीमें लग गई हैं। सीओ ने उस सिपाही को भी बयान के लिए बुलाया है। इस समय सिपाही विधानसभा सुरक्षा में ड्यूटी कर रहा है। गला दबाने से हुई मौत, टूटी मिली हड्डी। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। वही गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली है, इसके साथ सिर में 2 चोट के निशान भी मिले हैं। 3 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इस मामले में एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। चुनावी माहौल में राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। इसके अलावा मृतक लड़की की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर दरोगा जी हमारे साथ आ जाते तो हमारी बेटी जिंदा होती। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने बताया कि पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में गुरुवार को ये डेड बॉडी बरामद की गई है। एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है। इस घटना में जो अन्य साथी है उसको पता कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। उन्नाव से विशाल सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।